नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। आज बिरसा मुंडा की जयंती है। बिरसा मुंडा की गणना महान देशभक्तों में की जाती है। बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ट्वीट किया, भगवान बिरसा मुंडा जी को उनकी जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। वो स्वतंत्रता आंदोलन को तेज धार देने के साथ साथ आदिवासी समाज के हितों की रक्षा के लिए सदैव संघर्षरत रहे। देश के लिए उनका योगदान हमेशा स्मरणीय रहेगा। बिरसा मुंडा की जयंती पर मध्य प्रदेश सरकार जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन कर रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। बिरसा मुंडा को अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासी समुदाय को लामबंद करने के लिए जाना जाता है। 15 नवंबर 1875 को जन्मे बिरसा मुंडा एक युवा स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी नेता थे, जिनकी 19वीं सदी के अंत में सक्रियता की भावना को भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक मजबूत विरोध के रूप में याद किया जाता है। बिरसा मुंडा ने काले कानूनों को चुनौती देकर बर्बर ब्रिटिश साम्राज्य को संसद में डाल दिया था। उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन और धर्मांतरण गतिविधियों के खिलाफ आदिवासियों को लामबंद किया था। साल 1894 में बिरसा मुंडा के जीवन में अहम मोड़ साबित हुआ, जब वो आदिवासी की जमीन और अधिकारों के लिए चलाए जा रहे सरदार आंदोलन में शामिल हुए, साथ ही अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया। बिरसा ने आदिवासियों की एक सेना बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ छापामार लड़ाई शुरू की। 1897 से 1900 के बीच मुंडा आदिवासियों ने बिरसा के नेतृत्व में छापामार लड़ाई द्वारा अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था। इसके चलते अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा पर 500 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। बाद में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। वहां अंग्रेजों ने उन्हें धीमा जहर दिया, जिस कारण वो 25 वर्ष की छोटी उम्र में 9 जून 1900 को शहीद हो गए। बिरसा ने आदिवासियों को अंग्रेजी दास्ता से मुक्त होकर सम्मान से जीने के लिए प्रेरित किया था। झारखंड के सिंहभूमि और रांची में रहने वाले मुंडा जनजाति के लोग बिरसा को आज भी भगवान के रूप में पूजते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।